मैं 2 बजे जा रही हूँ क्योंकि शाम को टाइम नहीं है आज। तेज तेज आवाज आ रही है। तो गाइस यहाँ पे मेरे को जामुन मिल चुके हैं, देखो। तो गाइस इनको लिंगड़ बोलते हैं जिनकी सब्जी बनती है, लेकिन ये वो। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। तो अभी बज चुके हैं 10 बज चुके हैं और अभी मैं जंगल आ रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सुबह बूंदाबांदी बारिश आई थी लेकिन फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है और पसीना आप देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मम्मी लोग घास काटती है, ताई जी भी आ रही है हमारे साथ और तो अभी फ़िलहाल बैठे हैं, उसके बाद देखते हैं घर जाएंगे थोड़ी देर बाद। और थोड़ा ठंडा हो रखा है लेकिन सुबह बारिश हुई तो ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, पर बूंदाबांदी हुई उसके बाद फिर से धूप लग गई और अभी उमस ज़्यादा हो रही है। तो चलिए थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ पे कितना प्यारी सी पक्षी आ रही है, उड़ चुका है। अरे ये देखो जंगल से आ चुके हैं हम और अभी हम जाएंगे नहाने के लिए क्योंकि आजकल घर में पानी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं पानी लेके आना पड़ेगा, उसके बाद नहाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, ओके। हेलो गाइस गुड आफ्टरनून। तो अभी देख मैं जा रही हूँ ब्लॉग अपलोड करने के और धूप लगी हुई है। आज मैं 2 बजे जा रही हूँ क्योंकि शाम को टाइम नहीं है, आज शाम को कुछ काम है वो पूरा करना है, तो इसलिए फिर बकरियों में जाना होता है तो टाइम नहीं मिलता और इतनी दूर बकरियों को लेकर जाना भी ठीक नहीं है। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ, टाइम पे जाऊँगी फिर घर आके, उसके बाद देखिए खाना वगैरह हमने खा लिया है, नहा के जा रही हूँ मैं अभी। तो मैंने सोचा आराम करने से अच्छा अगर आप ज़्यादा आलस करोगे तो उतना और बढ़ता है, मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। अगर मैं लेट गई तो तब तो लेट ही जाऊँगी, तब तो मतलब जाने का मन भी नहीं करेगा मेरा। तो काफ़ी आगे जाना पड़ता है हमें, 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है ब्लॉग अपलोड करने के लिए और रास्ता झाड़ी वाला है। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा कि ज़्यादा झाड़ी हो रही है इधर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस, बहुत ही ज़्यादा। और 2 बजे जो 2 बजे की धूप होती है वो आप लोगों को पता ही होगी कितनी ख़तरनाक रहती है। तो चलते हैं अभी, धीरे धीरे पहुँचने वाली हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ मेरे को डर लग रहा है क्योंकि आगे एक तो भालू का डर है और दूसरा बाघ का डर है और इतनी झाड़ियों में तो अब रास्ते पे भी झाड़ी होगी, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं बेकार ही आई अकेले आज, वो भी इतनी दिन में तो मैं कभी भी नहीं आती थी इधर। तो क्या बस पहुँचने वाली थी, यहाँ पे इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही है मतलब जानवरों की, और लंगूर भी चढ़े हुए हैं भाई। एक तो लंगूर रहता है उसमें, एक पॉइंट बहुत होता है कि बाघ का डर नहीं रहता क्योंकि लंगूर जहाँ पे होंगे ना तो वो आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे बाघ होता है या नहीं, और यहाँ पे तो बंदर है गाइस। चलो ठीक है जो भी है, थोड़ा मुझे सहारा मिल रहा है इनसे, तो अभी तो मैं चल रही हूँ फिलहाल। इस हिसाब से यहाँ पर गर्मी हो रही है ना, मैं पत्थर के छाँव के नीचे बैठी हुई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही भाई साहब, इतनी ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे मेरे को जामुन मिल चुके हैं, देखो, और बहुत सारे जामुन हैं यहाँ पे लगे हुए, देखो सारे बंदर खा रहे हैं। अब मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद आपसे मिलूँगी। आ रही हूँ, मैंने मुंह धो लिया है फिलहाल तो, और इस पे देखो मैंने जामुन लेके जा रही हूँ मम्मी पापा के लिए क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने कभी अकेले खाना नहीं सिखाया, हम मिल बांट के ही खाते हैं ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, सीधे आपको घर पर मिलूँगी। और इतने सारे मिल गए मुझे आज, परसों 2-3 दिन से मम्मी और मैं आ रहे थे, उस दिन ही मिला, उस दिन पनीर लेके आए थे तब भी नहीं मिला और खाया हमने थोड़ा सा, उसके बाद हम घर चले गए थे। तो आज काफ़ी जामुन मिल चुके हैं, तो चलते हैं घर और मम्मी पापा को भी देंगे उसके बाद। तो जो मेरे YouTube फैमिली है तो आप मेरे Instagram को भी फॉलो कर देना गाइस, नेहा अग्रवाल 2461 है। और तो अभी मैं घर जा रही हूँ फिलहाल, तो बहुत सारे हैं इसको जेब में रखेंगे उसके बाद चलते हैं। चुकी हूँ मैं घर और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप लगी हुई है, क्या आते आते हालत ख़राब हो रही है फिलहाल। तो मैंने ये बांध लिया, तो अभी ब्लॉगिंग करने की हिम्मत भी नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है।
बहुत ज़्यादा धूप लग गई मुझे आज, तो मैं अब सीधे घर में करूँगी आपके साथ बात। तो गाइस मैं अब सीधे घर जा रही हूँ और वहीं पे बात करूँगी। और बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और मेरे हाथों पे जामुन भी हैं जो थोड़े थोड़े करके गिरने लगे हैं, क्योंकि एक ही हाथ पे एक हाथ भी फ़ोन पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अब चलती हूँ मैं घर, अब सीधे घर पे मिलूँगी आपको सिटी जी से। ठीक है गाइस, तो बाय बाय। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 5 और अभी फ़िलहाल चाय पी रही हूँ जस्ट इधर, तो चाय पी रही हूँ और उसके बाद जंगल के लिए निकलेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है और उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं किस साइड चलते हैं। और ब्लॉग तो मैंने आज टाइम पे अपलोड कर दिया, मतलब अभी पब्लिक नहीं किया लेकिन सब काम कर रखा है, तो रात के 8 बजे मैं पब्लिक भी कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं धीरे धीरे गाइस क्या होता है। शाम का व्यू काफ़ी ठंडा है अभी, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। और तो गाइस इनको लिंगड़ बोलते हैं जिनकी सब्जी बनती है, लेकिन ये वो वाले नहीं है, ये हैं जंगली वाले, इनको नहीं खाते हम लोग। और ये देखो कितना सारा हो रखा है यहाँ पे ना, ये देखो गाइस कितना सारा है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।